हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सॉल्विंग क्वेश्चंस विद गौरी मैम। गेट इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन इस एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपने देखा होगा इस एग्ज़ाम के लिए 100 से भी ज़्यादा वीडियोस सॉल्व्ड एमसीक्यूज मेरे चैनल पर ऑलरेडी पब्लिश्ड है। और इसके साथ इकोलॉजी लेक्चर सीरीज नाम की जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर आपको इकोलॉजी के लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। तो इस एग्ज़ाम के प्रिपरेशन में मेरे चैनल की आपको बहुत बड़ी मदद हो रही है। और भी कोई वीडियोस अगर आपको चाहिए तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो, मैं कोशिश करूँगी वो वीडियोस आपको बना के मैं समझाऊँ, वो कॉन्सेप्ट्स बताऊँ, कुछ थ्योरी हो तो उसके बारे में एक्सप्लेनेशन दो। तो चलिए आज सॉल्व करते हैं एक MSQ जो पेपर 2023 से लिया हुआ है। Which one or more of the following eats are developmental features of hatchlings of an altricial bird species? ये MSQ है, ऐसे एग्जाम पेपर में कहीं लिखा हुआ नहीं रहेगा। जब वहाँ पर one or more of following लिखा है, eats are लिखा है, तो समझना है कि ये MSQ होना चाहिए। भले ही ये MSQ हो, उसका आंसर सिंगल आंसर भी हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी बातें हैं और इस में से जाके आपको ये एग्ज़ाम क्वालिफाई करनी है। चलो कोई बात नहीं, कर लेंगे। क्वेश्चन आपको समझ में आया, फिर से पढ़ती हूँ। विच वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इज आर डेवलपमेंटल फीचर्स या फीचर ऑफ हैचलिंग्स ऑफ एन अल्ट्रेशियल बर्ड स्पीशीज। ऑप्शंस में है आइज ओपन, आइज क्लोज्ड, डाउन फीदर्स प्रेजेंट, डाउन फीदर्स एब्सेंट। अल्ट्रेशियल बर्ड स्पीशीज अगर आपको पता है तो आंसर आ जाएगा। आइए देखते हैं क्या होता है। अल्ट्रेशियल बर्ड्स एंड प्रिकॉशियल बर्ड्स, these born with their eyes closed, precocial birds born with their eyes open. यहाँ पर altricial birds are naked, no feathers after hatching. Precocial birds may a dense developed, well developed down cover. Altricial birds unable to hold their heads up and unable to maintain their body temperature. लीव नेस्ट विद इन अ डे और टू ऑफ हैचिंग। असल में बर्ड जो है वो बॉडी टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं, दे आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स, राइट, बर्ड्स एंड ह्यूमन, याद है ना। मगर ये शुरू में नहीं है, आफ्टर हैचिंग के बाद इन्हें आता नहीं है अल्ट्रेशियल बर्ड्स में, कुछ समय बाद दे कैन मेंटेन, ठीक है। Completely dependent on their parents for food, shelter and warmth. मगर ये precocial बहुत smart होते हैं। These can walk, run, swim and find their food after a few hours of being hatched. ठीक है। तो basically altricial birds को parents की बहुत ज़रूरत होती है। They need parental care for long period. जैसे कि precocial birds में नहीं है। They can find their food, they can walk, run, fly, fast हो जाता है इनका। तो altricial birds में these must be fed and incubated by the parents. Incubated मतलब उनको temperature भी warm रखना पड़ता है parent की मदद के मदद लेकर। And this can fed themselves very soon after hatching and can maintain their body temperature. तो altricial bird unable to move after hatching. प्रिकॉशियल बर्ड मूव कर सकते हैं, फिर भी कुछ समय के लिए, कुछ दिनों तक इनके भी पेरेंट्स इनकी मदद करते हैं। पेरेंट्स तो हमेशा ऐसे ही होते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो, सॉन्ग बर्ड्स, वुड पिकर्स, हमिंग बर्ड्स, ये अल्ट्रेशियल बर्ड्स है। और प्रिकॉशियल बर्ड्स में वाटर बर्ड्स, डक्स एंड गीज़। एक इमेज लेकर यहाँ समझाने की कोशिश कर रही हूँ। इमेज जहाँ से ली है उसका सोर्स क्रेडिट यहाँ मैंने दिया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका सोर्स क्रेडिट मिल जाएगा।
तो देखो पैरट, पेलिकन, सॉन्ग बर्ड्स ये आर्टिफिशियल बर्ड्स के एग्जाम्पल है। मतलब ये बॉर्न इन एन इमेच्योर एंड हेल्पलेस कंडीशन रिक्वायरिंग केयर फॉर सम टाइम आफ्टर बर्थ। और ये प्रिकॉशियल बड़े स्मार्ट होते हैं, कैपेबल ऑफ मूवमेंट एंड सेल्फ सफिशियंसी सून आफ्टर बर्थ। उनके एग्जाम्पल्स आते हैं चिकन, डक, रिया। ठीक है, समझ में आया? तो देखो वापस से क्वेश्चन की तरफ आए तो हम देख सकते हैं कि आईज क्लोज्ड अल्ट्रिशियल बर्ड्स है और डाउन फेदर्स एब्सेंट, राइट? डाउन फेदर्स जो होते हैं ये इन्हें बर्ड्स में बर्ड्स को बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने में मदद करते हैं, तो ये एब्सेंट होते हैं शुरू में व्हेन अल्ट्रिशियल बर्ड्स आर देयर, राइट? तो ऑप्शन बी और डी इस क्वेश्चन का सही आंसर बन जाएगा। चलिए इसके साथ आज का वीडियो कंक्लूड कर रही हूँ। मेरा मेल आईडी यहाँ शेयर किया हुआ है और कमेंट सेक्शन है जिसके थ्रू आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।